नमस्कार जी की मित्रिया में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपकी होस्ट और उसके साथ दोस्त फिर के रहने वाली इस वीडियो में अपनी साथी नानू मीरा या त्रिपाठी। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो आज मेरे पास आपके लिए कुछ आई इल्यूजन्स हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा क्योंकि ये इल्यूजन्स बहुत अच्छे हैं। नंबर वन, क्या आप जान पा रहे हैं कि ये डाइसेस किस तरह से रखी गई हैं? तो अगर आपको पता चल गया हो कि आखिर ये डाइसेस ऐसी क्यों लगती हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे ये एक इल्यूजन है और इन डाइसेस की कोई शेडो वगैरह नहीं है, इसलिए ऐसा लगता है कि ये डाइसेस किस तरफ से हैं ये हम पता नहीं कर पाते। नंबर दो, सर हिला के देखिए। वैसे ये अभी आपको एक नॉर्मल इमेज लग रही होगी लेकिन जब आप सर हिलाएंगे तो आपको इसी के अंदर कोई जीव दिखेगा। अब वो जीव कौन सा है आप हमें कमेंट कर कर जल्दी से बताइए। समझ पाए कि ये कौन सा जीव है? वैसे ये एक पांडा है। नंबर तीन, तो इस इल्यूजन में आपको बस इतना करना है कि इसे गौर से देखना है। इसे देखने के बाद आप अगर अपने हाथों को ध्यान से देखेंगे तो वो एकदम लावा जैसे लगेंगे। अगर इस इल्यूजन ने आपके ऊपर काम किया तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर नहीं किया तो आप दोबारा से इसे देखिए, ये ज़रूर काम करेगा। नंबर चार, चलती हुई इमेज। अब आप सोचोगे कि इमेज चल कैसे रही है? वैसे ये कोई वीडियो क्लिप नहीं है, ये नॉर्मली एक इमेज है लेकिन जब आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये एक साइड पर चल रही है। तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नंबर पाँच, डांसिंग डॉल। वैसे क्या आप समझ पा रहे हैं कि ये डॉल किस तरफ चल रही है? थोड़ी देर तो ऐसा लगेगा कि ये राइट की तरफ जा रही है लेकिन फिर लगेगा लेफ्ट की तरफ, फिर राइट, फिर लेफ्ट, क्योंकि अब आप सोचोगे कि आखिर ये हो कैसे रहा है कि ये डॉल किस तरफ जा रही है, हम समझ नहीं पा रहे। तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो कमेंट में जल्दी लिखिए। तो क्या आप ये समझ पाए? वैसे इस डॉल की कोई शैडो नहीं है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। नंबर छः, क्या आप पता कर पा रहे हैं कि ये लेडी किस तरफ जा रही है? वैसे कभी लगेगा कि ये राइट की तरफ मुड़ रही है लेकिन फिर ऐसा लगेगा कि ये लेफ्ट की तरफ जा रही है। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नंबर सात, वैसे इस इल्यूजन को देखने के बाद आप अगर अपने घर की दीवार पर देखोगे या फिर कहीं और तो आपको आसपास की चीज़ें पिघलती हुई लगेंगी, तो इसे देख लीजिए। क्या इस इल्यूजन ने आपके ऊपर काम किया? क्या आपकी आसपास की चीजें आपको पिघलती हुई लगी? अगर ऐसा हुआ तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा हमसे जुड़ने के लिए और